शेमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मजा आ रहा है ना पीट, अपने ढोल और पीट फट गया ना। हाँ, क्यों नक्चड़े, उछल उछल कर डिंगे मार रहा था ना, अब भुगत। साला इसको तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, ऐसे छोड़ दो। ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा वैसा हो गया ना अभी। निकाल निकाल। अरे बूढ़े के साथ दोस्ती करना बच्चों का खेल है क्या? अरे क्या तुम लोग, उससे अपना जो खून बहा है उसमें तुम लोग पानी दे रहे हो। तू फिकर मत कर, तेरा खून जरूर रंग लाएगा। खून भरी मांग, ये शगुन है वो तेरी होने वाली है। तब तो दो चार टुकड़ा और घुसेड़ दो पेट में, मैं सब सहने के लिए तैयार हूँ। देख तुझे मिर्ची ने अंधा किया, तुझे आग ने जलाया और तुझे कांच ने फोड़ा। सही है भाई, मतलब तीन टपके। अब एक ही रास्ता है। क्या क्या मुझे लगता है क्या बता भाई बता, मुझे लगता है कि अबे क्या लगता है, तुम लोग उसे भूल जाओ। क्या? हाँ अच्छा, दादाजी, अरे हे भगवान, ये क्या हुआ? आप ठीक हैं दादाजी? ये कैसे हुआ? अरे एक लड़के ने जानबूझकर मुझे ऐसा धक्का दिया कि मैं सड़क पर केले के छिलके की तरह लेट गया। पूरी टोली थी रामी के साथ, मुझे अंडा समझकर फेंट रहे थे। कौन थे वो लोग? और कौन होंगे, उन्हीं चंडालों में से होंगे। जब मैं कह रही थी तो सपना कह के चिढ़ा रहे थे, अब खुद की नाक जली तो यकीन हुआ ना? मैं कहती हूँ अभी के अभी पुलिस में रिपोर्ट लिखवाइए। चायला एक काम कीजिए, आप अंदर चलिए, जरा आराम से बैठिए और मेरे को उस लड़के का हुलिया बताइए। लड़के का हुलिया? लड़का नहीं, खच्चर था, खच्चर। एक गिलास पानी लाओ। अभी लाइए। चेहरा ऐसा भीषण कि जिंदगी तो क्या नींद में भी कभी नहीं देखा। और कद, उसका चेहरा देखना हो तो नाटे को भी नीचे झुकना पड़े। मगरमच्छ जैसी आंखें, गोंद से चिपचिपे बाल, नाक था के पिचका हुआ टमाटर याद नहीं, लेकिन होंठ उधेड़ कर जब दांत बाहर निकालता है तो बेवकूफ से बेवकूफ गधा भी सियाना लगे। क्या सोच रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ताजुब की बात है चायला, मुझे भी कब से ऐसे ही एक आदमी की तलाश है। मैं चारों तरफ उसकी खोज शुरू कर देता हूँ, पकड़ में आया ना तो मैं आपको बताता हूँ, तब तक आप जरा चौकन्ने रहिए। एक्सक्यूज मी। यस मैम। आप मेरी कुछ हेल्प करेंगे? हाँ जी कहिए। ये एयरटेल का डिस्कनेक्टेड नंबर है, किसी सोफी का। आपके ऑफिस से उनका पता मिल जाता तो। आई एम वेरी सॉरी मैडम, ग्राहकों की निजी जानकारी हम किसी भी हालत में नहीं दे सकते, ये कंपनी के उसूलों के खिलाफ है। आई अंडरस्टैंड, पर मुझे आपसे थोड़ी ज़रूरी बात करनी है, आप प्लीज़ बाहर आएंगे? चलिए। चलो वापस चलो। किधर, क्या हुआ? अरे उसका कोई है, अगर उसकी खिचड़ी पक गई तो अपना दाना जल गया समझो ना। तुझे कैसे पता? देख नहीं रहे कैसी गुटुल मुंह चल रही है? देखो कैसे हाथ में सरसा की बात कर रही है। चलो। तू जा साली, तू जा, वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता है। हाँ बे, दो दिन पहले तो शहर आई है, फिर दो दिन में मजनू कहाँ से उगेगा? वही तो। चल ना, मटकी फोड़ डालते हैं, अंदर पत्थर की सोना पता तो चलेगा। मेरी बहन को देख पानी टपक रहा था मुझसे। हाँ क्या हो रहा था उसके साथ? कौन बहन? ओ तो लौंडा माँ बहन भी नहीं जानता तू क्या? एक मिनट बॉस, देखिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या कह रहे हैं। मैं समझा देता हूँ ये कौन है, जिस लड़की के सामने तूने मिठाई की दुकान खोली ये उसका भाई है। भाई? वो जो मर चुका है वो भाई? कौन मरा कब? उसका भाई। देखिए कौन मरा कैसे मरा मुझे नहीं पता, लड़की ने कहा है कि भाई ने खुदकुशी की है, तो तुम लोग कौन हो? मैं भी भाई हूँ लेकिन जिंदा, और मैं उसका होने वाला पति। हम लोग बाद में तय करेंगे। ये कील तू दिमाग में गाड़ ले, मेरी बहन का पीछा छोड़ दे। ओ हेलो, मैं तुम्हारी बहन के पीछे नहीं पड़ा था। हा? वो खुद गिड़गिड़ाती हुई आई थी मेरे पीछे, अपने भाई के दोस्तों के बारे में पूछ रही थी और किसी सोफी के डिटेल भी चाहिए थे उसे। और क्या पूछ रही थी वो? तेरी बहन है, तू उससे जाके पूछ ना, मेरी छाती पे क्यों नाच रहा है?
अब समझ में आया चीटी की कतार कहाँ जा रही है। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? लड़की को गुजरे हुए भाई के दोस्तों के बारे में जानकारी निकालनी है। हाँ तो? तो चलो हम भी कतार की तरफ निकल पड़ते हैं। ये कतार सऊदी में है, तेरे पास पासपोर्ट है क्या? इसकी वन वे टिकट कराओ, कभी वापस ना आए साला कतार। ए, मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है। नमस्ते, हम लोग राहुल के दोस्त हैं, बॉक्सिंग करते थे साथ में स्टर्लिंग क्लब में, बहुत गहरे दोस्त हैं। तो हमारी क्लब इस साल भी मैगजीन निकाल रही है, तो राहुल की फ़ोटो चाहिए यादव की शमा कॉलम के लिए। प्लीज़ सिट डाउन, लेट मी चेक। पढ़ पढ़ क्या लिखा? मेरा फोटो नहीं है। ये क्या लिखा, क्या लिखा? मेरा नाम है कि नहीं? अबे सबका नाम है, ये देख। डीपली मोन बाय फ्रेंड्स पंकज मार्तन समीर गौतम। मार्तन तेरा नाम है? तो है। और पता इसका दिया हुआ क्यों? अबे तेरा कोई अता पता है? चल हां चलो, क्यों पूछता है? चल तेरे को जो पट्टी पढ़ाई थी याद है ना? एकदम, मौका मिलते ही फटाफट मार दूंगा। हां टकाटक तोते की तरह बोल देना। बिल्कुल। अपनी जेब से कुछ मसाला मत डालना, जो हमने सिखाया है वही बोलना। ज्यादा बोले ना तो सब भूल जाऊंगा। ए, हमारी जिंदगी तेरे हाथ में है, अगर कोई गफला किया तो तुझे फोड़ डालूंगा। जैसे बोला वैसे ही करना। हाँ ठीक है। आइए, कौन चाहिए? क्या ये पंकज मार्तन गौतम और समीर का घर है? हाँ 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 हाँ, आइए आइए। ये कौन है? ये मेरे मालिकों के बहुत ही जिगरी, बहुत ही गहरे और बहुत ही दिल के करीब वाले दोस्त हैं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। नामुमकिन, ये तो मर चुके। इनसे नहीं, तुम्हारे मालिकों से मिलना है। जो पट्टी मेरे दिल में है ना, मुझे बोलने दीजिए तोते की तरह। मालिक के जाने के बाद चारों गम में डूबे रहते हैं, स्विमिंग पूल भी बंद करवा दिया है, फोटो के सामने बैठकर गांधी जी की तरह रोते रहते हैं, सर पीटते रहते हैं। अबे ओवरएक्टिंग की औलाद, पूरा गेम बिगाड़ देगा ये। मैंने पहले ही बोला था ये फटाका फटेगा नहीं फूटेगा, लेकिन ये बोल रहा था करेगा। ले कर लिया। मुझे मिलना है तुम्हारे मालिकों से। लेकिन वो यहाँ नहीं है, सबके सब बॉक्सिंग करने गए। कहाँ? स्टर्लिंग क्लब। अच्छा तो ठीक है, मैं उनसे वहीं जाके मिल लेती हूँ। ठीक है। अब उसके पहले हमें क्लब पहुँचना है। मुझे कुछ देंगे? हाँ देंगे, बहुत कुछ देंगे। क्लब से लौट के बस बदन पे तेल लगा के रखना, हम अभी आते हैं। ठीक है ठीक है। बॉक्सिंग शुरू कर देते हैं, वरना आएगी तो हम लोग खंभों की तरह खड़े दिखेंगे। निकालो। ओए, झूठ मूठ की बॉक्सिंग करेगा? तुम पागलों का भरोसा नहीं, सचमुच हाथ पैर तोड़ने लगोगे। ए मारू, समझा ना? अबे जाना, डरपोक कहीं का, लोग प्यार में जान दे देते हैं, तू दो चार घूसे ले दे नहीं सकता, बिल्ली का बच्चा कहीं का। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, काने बजा नहीं कभी गाना। यार लेकिन ये जानवरों का जंगली खेल क्यों, कुछ और खेल खेलते ना। तू आंख में चोली खेल। अबे ऋतु का भाई बॉक्सिंग चैंपियन था, अब अगर हम उसके दोस्त बन रहे तो हमें भी बॉक्सिंग आनी चाहिए। फूल के साथ गमले भी आए, मुंह छुपा ले, बूढ़ों ने देखा है मैं पहले। yeah.
मैडम मार्टन समीर मैं पंकज पंकज मैं बाकी वो बाकी के तीनों को मैंने भेज दिया किधर तेरे बाप की शादी में क्या आप राहुल को जानते हैं बॉक्सिंग चैंपियन राहुल हाँ वही मैं उनकी बहन हूँ ओ रितु क्या क्या देखा क्या क्या सुना है आपके बारे में आपको देख के तो मैं ये तो चारों खाने चित्त हो गए ये बंदे उठते क्यों नहीं वो मेरे मारने से मर गए थोड़ी देर के लिए अभी आपके जाने के बाद इनकी जान में जान आ जाएगी बहुत टाइम लगा थे ये लोग इतने हट्टे कट्टे तीन पहलवानों को तुमने अकेले ने पानी पिला दिया वैसे तो रोज के 5-6 मारता हूँ आज तीन ही सही आइए ना वहां जाके बात करते हैं हम लोग आइए ना प्लीज प्लीज चलो राहुल भैया की अनबन थी किसी से या कोई दुश्मन दगाबाजी करने वाला नहीं क्यों नहीं वरना वो इस तरह अचानक खुदकुशी क्यों करेगा मुझे लगता है जरूर किसी की साजिश है पहले राहुल को खत्म किया अब हम पर पिले हुए हैं ये देखो कमीनों के एक झुंड ने मुझ पर हमला किया और कोई इस पर भी मंत्र मारने आया था हाँ लेकिन मैंने उसे मार गिराया और तो और हवन पे पानी फेंकने की भी जरूरत की किसी ने कौन है ये कमीने जिन्होंने हमारा जीना हराम किया है और क्यों कोई खूंखार डाकू या सरफिरे लुटेरे होंगे आपको उनका हुलिया याद है छपे हैं दिमाग में नींद में भी पहचान सकता हूँ मुझे कुछ और जानकारी चाहिए थी राहुल भैया के बारे में वेल अभी तो मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ तो फिर कल कैसा रहेगा ठीक है जरूर व्हाई नॉट हाँ ये लीजिए ये हमारा कार्ड रखिए हाँ। इस पर एड्रेस है और जब भी आपको फुर्सत मिले चाय नाश्ते पे आइए बैठकर बात करेंगे ठीक है जरूर जरूर नमस्कार नमस्कार खुश रहो हमें नहीं देखा हाँ। और हम सब उससे मिल सकते हैं हाँ। और रितु से कल तू अकेला नहीं हम सबके साथ मिलेगा और तू उससे कहेगा कि हम राहुल के असली दोस्त हैं हाँ। और हमारे थ्रू तू उसके पास गया और मिलने का वक्त और जगह भी हम लोग तय करेंगे सोच के रहा है हाँ। सब जेल डांस बार झोपड़पट्टी कचड़ा पट्टी जहां जहां आपने मेरी ड्यूटी लगाई सब जगह ढूंढा लेकिन मारू कहीं नहीं मिला बुरा मत मानना साहब आपने मुर्गे की बांग पर भरोसा तो कर लिया लेकिन बांग दोपहर की थी अबे जले पे नमक क्यों छिड़क रहा है मारू को मार गोली पक्के के जीजा का क्या है उनके घर पर तो कब से ताला ठुका है अड़ोस पड़ोस में पूछा लेकिन किसी को उनके नए घर का पता नहीं पता अब देख 2-4 नए इलाके में मैं तेरी ड्यूटी लगाता हूँ तब तक तू शिकारी कुत्ते की तरह यहाँ वहाँ नाक फुसफुसाता रहे समझा ना ब्याज तो बढ़ता ही रहेगा और सारे गहने अपने पास तिजोरी में बंद पड़े ही हुए हैं चिंता की बात नहीं है रे दड़ बदरे सारी नाड़ियां अपने हाथ में ही है हैं आधा घंटा हो गया है बोला था मैंने तू को अबे पता है उसे जगह ये तेरे जैसी अनपढ़ नहीं है पढ़ी लिखी है वो उसे 10:30 का टाइम दिया था अभी 10 बज रहे अच्छा सुन हमारी पहचान तू इस अंदाज से कराना कि झटके से पता चले कि हम राहुल के कितने करीब है और हमने तेरी पहचान उससे कराई हाँ हाँ बोल दूंगा यार अबे तू खड़ा क्यों बैठ हट ड्रेस में झुर्रियां आ जाएंगी ऐसा लगता हूँ मैं शाहरुख 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 मुंह पे मटका रखेगा तो एकदम शाहरुख तो ट्राई कर लूं क्या ये मामू मामू तू रितु को फोन करके बोल कोरियन थे स्विमिंग पूल आ जाए वहां भी एक कॉफी शॉप है हाँ लेकिन यार वो मोबाइल लाया नहीं ना नहीं तो कर लेता फोन में झूठ मत बोल साले ये क्या दिख रहा है मेरे को चल फोन निकाल चल हाय 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 हाँ हाँ निकाल रहा हूँ अबे रुक ये रहा बिजी है बिजी हाँ साले लगा हुआ है कर बात हाँ रितु हाँ मैं पक्या बोल रहा हूँ पंकज बोल रहा हूँ रितु वो मॉल के जगह हम लोग कोरियन थीम स्विमिंग पूल मिल सकते नहीं वो मैं बताता हूँ आपको मतलब तुम्हें मिलके बताता हूँ मैं मुझे भी ले चलो मुझे भी ले करो
हाँ रितु, मैं पक्या बोल रहा हूँ, पंकज बोल रहा हूँ। हाँ रितु, स्लाइट चेंज ऑफ प्लान, वो कोरियंथियन क्लब मत जाना। हाँ, उसके बजाय हमारे घर के पास, सॉरी तुम्हारे घर के पास, वो नेहरू रोड है पता है? वेरी गुड वेरी गुड। उसके पास इंडिया कॉफी हाउस है पता है? वेरी गुड वेरी गुड। तो हम लोग वहीं मिलते हैं। नहीं वो मैं तुम्हें मिलके बताता हूँ। ओके ओके। पूरा परफ्यूम भी सूख गया मेरा। अबे यार ये पक्या की राह देख देख के मैं पक गया, मेरे को तो फुल लफड़े की बू आ रही है। हाँ यार रितु भी नहीं आई अब तक। दो और दो मिलाओ 22 समझो। इससे पहले इनकी गुटरगू शुरू हो जाए चलो चल के इनको कहीं ढूंढते हैं। तुमने जगह क्यों बदली अचानक मिलने की? नहीं वैसे तो अच्छी थी वो जगह, लेकिन अचानक कुछ हुड़दंडी मंडराने लगे। बोलो क्या लो? तुम बोलो। कोल्ड कॉफी, एक कोल्ड कॉफी आइसक्रीम के साथ और एक ग्लास पानी के साथ। अरे कुछ तो लो। नहीं मेरा आज उपवास है। थैंक यू। उपवास किस लिए? नहीं वो हम जैसे मर्द मानते हैं कि गुरुवार के दिन अगर हम उपवास रखें तो हमें एक सुशील कन्या मिल सकती है। अच्छा। अरे देख देख ये वही कमीना है, मुझे उस दिन पीटने वाला। क्या हुआ? चलो कल्टी मारते हैं। क्यों? नहीं ये जगह ठीक नहीं है। पर अभी अभी तुमने कहा कि ये क्लासिक जगह है। गर्मी बहुत बढ़ गई है और ये टाइम तुम्हारी त्वचा के लिए अच्छा नहीं है। चलो चलते हैं। पर ये जो कोल्ड कॉफी हमने नहीं वो कॉफी कैंसिल। क्यों बे? मुझे देखते ही सुई चुप गई नीचे। आप क्या बे साले, लोगों से टायर में बड़ी फूफू की आवाज आता है। आप कौन सज्जन है? मैं आपको जानता नहीं। लेकिन मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे कैसे? कहाँ गए बाकी के लफंगे सारे? कौन कहाँ किसकी बात करे? भाई साहब इसकी शक्ल देख के लगता है कि हम जैसे 50 कोई बेवकूफ बना चुका है। देख देख रितु तो यही है। हाँ मगर इतनी भीड़ क्यों है? उबे पक गया, इसको कौन पीट रहा है? फरिश्ते हमारे साथ धोखा किया साले ने। अरे ये तो बाइक वाली गैंग है, चलो इसे बचाते हैं। ए संत ज्ञानदेव तू यहीं रुक जा, बहुत कम इंसान मिलता है दुनिया में, साले को थोड़ी सजा मिलने दे। सही बोला इसने। हाँ। तू बहुत महान है ढंग मेरे। अबे क्या कर रहा है, धत पे मार साले के। बहुत बकवास करता है वैसे भी। अबे सालो खाना बाना खाते हो कि नहीं? जोर से घुमा के दो पेट में इकला। तो बड़ा बॉक्सिंग चैंपियन था, फिर भी ऐसे टुच्चे लौंडों के सामने दम तोड़ दिया। शे, यूज़लेस। नहीं वो क्या हुआ? एक्चुअली क्या हुआ? वो एकदम अचानक से वो क्या पीछे से वो हमला करने वाले घंटा बजा के इतला देते हैं क्या? और नहीं तो क्या? मैंने इसे कराटे के सारे हाथ सिखाए, फिर भी ये बिस्किट की तरह टूट गया। क्योंकि मैंने तुझे जब वो हाथ सिखाए थे तब तेरा ध्यान नहीं था, इसलिए उसने गलती की। मेरे कंधे पे चढ़ के हीरो मत बन। तुम रितु हो? बहुत अच्छा। अच्छा वो आप लोग आ गए, वरना आज हमें कौन बचाता? साले पट्टी पढ़ा के हम लोग इधर आ गया तू। परिचय करा। सॉरी मैं तुम्हें इनसे मिलवाना भूल गया। ये सब मेरे दोस्त हैं और राहुल के भी। ये गोटी। हाय आई एम गौतम। समीर। और मैं मार्तंड। अच्छा वो आप लोग मिल गए, मुझे राहुल भैया के बारे में कुछ जानना था। तो सुनो, राहुल एक लड़की से बहुत प्यार करता था, वो भी उससे प्यार करती थी, या प्यार करने का नाटक कर रही थी पता नहीं, मगर एक दिन उसने राहुल को मिलने से मना कर दिया। पर
क्यों मना किया उसने? हाँ, क्योंकि अब हमें बाद में पता चला कि लड़की घर वालों के अंगूठे के नीचे दबी हुई है। लेकिन राहुल ये बात इतने दिल से लगा ली कि दारू सिगरेट एकदम छोड़ दी। नाम क्या था लड़की का? उसका नाम तो मुझे याद है, हाँ वो सोफी। इसका मतलब वो क्रिश्चियन? हाँ, वही तो मुसीबत की जड़ थी। ये हिंदू वो क्रिश्चियन, सोफी के परिवार वालों ने दोनों को जुदा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कई बार तो गुंडों से भी पिटवाया। हाँ हाँ, अरे जिन लड़कों से मैंने इस मच्छर को बचाया ना, वही तो थे वो गुंडे, अब तक हमारे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन हम भी राहुल के साथ डटे रहे हैं, उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। अरे एक बार राहुल सिर्फ एक बार कहता ना, उस लड़की को शादी के मंडप से नारियल की गठरी की तरह उठा के उसके सामने पटक देता, लेकिन वो बोला ही नहीं। मुझे याद है जब वो हमें आखिरी बार मिला, एकदम देवदास लग रहा था। उसने हमें गले लगाकर गुड बाय बोला, तब उसके आंसू देखकर मेरे भी आंसुओं की धार निकल पड़ी। मत रो मेरे भाई, अब इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, पूरा खेल बिगाड़ देगा यार तू। भैया के आखिरी दिनों के सच बताने के लिए शुक्रिया। इन बिखरी कड़ियों से मेरी जिंदगी भी बिखरी रहती थी। तुम लोगों ने समय की, तुमने भैया से दोस्ती की थी, तो अब मुझसे भी करनी पड़ेगी।